मैं सुनील राउत आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है धर्म और विज्ञान की दोस्ती। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग अपने एक पैकेट में धर्म को रखें और दूसरे पैकेट में विज्ञान को रखें। धर्म के अनुसार अपना जीवन गुजारें। जब कभी असमंजस की स्थिति हो, साहस और धैर्य खोने लगे, तो विज्ञान से सलाह लें। विज्ञान आपको उचित सलाह देगा और आपका जीवन सदैव सुखी हो जाएगा। दोस्तों, मैं अब चार घटनाओं का वर्णन कर रहा हूं। एक बार मैं होली में गांव आ रहा था। गांव आने में मुझे देर हो गई, अंधेरा हो गया। गांव से पहले 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। मैंने अकेले सन्नाटे में पैदल रास्ता चलना शुरू किया। आधी दूरी तय करने के बाद मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जहां लोगों की मान्यता है कि वहां भूत रहता है। पीपल का पेड़ मैंने जो ही देखा, मेरा शरीर कांपने लगा, मैं डरने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। तभी मैंने विज्ञान से सलाह लिया। विज्ञान ने कहा, भूत कुछ नहीं होता यार, चलो आगे बढ़ो। मैंने अपना सफर तय कर लिया। दूसरी घटना, बगल के गांव में एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया। गांव के सारे लोग जमा हुए, सबने कहा कि इसे देवी के स्थान पर सुलाया जाए। मैं भी वही खड़ा था। मैंने अपने विज्ञान से सलाह मांगा। विज्ञान ने कहा, नहीं यार, देवी स्थान पर सुलाने से तो ये मर जाएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैंने सब लोगों से कहा कि नहीं भाई, इस रोगी को हॉस्पिटल ले चलिए। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और सारे लोग देवी स्थान पर इसे सुला दिए। अंत में रोगी मर गई। लास्ट में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसे डॉक्टर ने देखकर मृत घोषित कर दिया। तीसरी घटना, एक इस्लाम धर्म का युवक, विज्ञान का छात्र, उसकी शादी हुई, उसकी 2 बच्चे हुए। बीबी ने कहा, अब और अधिक बच्चे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उस परिवार का मालिक उसका पति था। पति ने धर्म से पूछा। धर्म ने कहा, बच्चे की कोई सीमा नहीं, करते जाओ। तुरंत उसने विज्ञान से सलाह लिया। विज्ञान ने सलाह दिया, नहीं यार, देश पर जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है, तुम्हारी पत्नी के स्वास्थ्य का भी सवाल है, बच्चे 2 ही अच्छे, तब कहीं जाकर 3 बच्चों पे परिवार नियोजन हो सका। चौथी घटना, एक तरफ लाखों की धार्मिक सभा, धार्मिक भीड़, आगे सकरा रास्ता। धर्म कहता है आगे जाओ, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। मैं भी उस भीड़ में खड़ा था। मैंने अपने विज्ञान से सलाह लिया। क्यों भाई विज्ञान, मुझे क्या करना चाहिए? विज्ञान ने सलाह दिया, अरे यार, यहां पर तो जान का खतरा है, चलो साइड हो लो। मैं वहां से साइड हो लिया। सुबह अखबार में खबर छपी, भगदड़ में 1,000 लोगों की मौत। यही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।